नमस्कार, मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आपके सामने ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम कुछ राशियों के लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे होते हैं इस राशि के लोग और उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इसके बारे में मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं, मेरे जीवन में, अब तक के जीवन में इन राशियों के जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ या मैंने उन्हें परसीव किया है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है। हो सकता है आपको कुछ बातें रेजोनेट नहीं करें जो जिसका मैं हमेशा ऑनर करती हूँ। आप प्रोग्राम के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप इस राशि के हैं या आपके परिवार में कोई इस राशि का है तो आप रेजोनेट करते हैं कि नहीं इन बातों से, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आइए चर्चा शुरू करूं। इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लिंक को शेयर करें। आज मैं बात कर रही हूं मेष राशि वाले लोगों के बारे में। जी हां, एरीज। आज की सन साइन या मून साइन या राइजिंग साइन अगर आपकी एरीज है तो शायद आप, जैसे कि ज़ोडियक बेल्ट के नंबर वन आप राशि हैं, आप ही से ये चक्र शुरू होता है, तो आप अपने जीवन में हमेशा नंबर वन रहना चाहते हैं और बहुत बार आप सफल भी होते हैं। जील, एंथुजियाज्म, जोश और उमंग आप में कूट कूट के भरा होता है। आप बहुत बबलिंग विथ एनर्जी होते हैं, आपकी जो एनर्जी फील्ड होती है, जो ऑरा होती है, ज़बरदस्त होती है। आपकी एनर्जी के पेस में चलना, मतलब आपकी गति से चलना बाकी 11 राशि वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा लीडर्स होते हैं, आप बॉर्न लीडर्स होते हैं, जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आप बड़े ही खुशमिजाज होते हैं, आपको जब तक कोई उंगली नहीं करे आप परेशान नहीं होते हैं। आप बिल्कुल उस मेमने के जैसा हैं जो अंदर से बहुत ही भोला है। आप देखिए, फर्स्ट साइन है ज़ोडियक के, तो आप में एक बचपना रहता है, एक इनोसेंस रहता है, भले आप 100 साल के हो जाएं। आप एक, आपसे राशि चक्र की शुरुआत हो रही है, अभी आप में मैच्योरिटी उतनी नहीं आई है। आप बिल्कुल बाल सुलभ मन है आपका और बहुत ही आप कोमल मन है आपका, तो अगर आपको, आपने जो एक आवरण चढ़ा रखा है थोड़ा सा गुस्से का, थोड़ा सा आप रैश बिहेवियर करते हैं, तो ये सब बस एक आवरण मात्र है। आप अंदर से वैसा ही निर्दोष मन है जैसा एक छोटे बच्चे का होता है। इसके अलावा आप बहुत जल्दी, आप बहुत शार्प माइंड के होते हैं, आप चीज़ों की तह तक पहुंच जाते हैं। आप हालांकि बहुत डिटेल्स में आपको अगर कोई ले जाता है, कोई बात समझाता है, आपको बहुत उसकी बारीकियों के बारे में बताता है, फाइनर न्यूएंसेस के बारे में बताता है, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। आप किसी भी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रीफेस के बाद 2-3 पेज आप पढ़ लेते हैं और लास्ट वाला पढ़ लेते हैं और आप समझ जाते हैं कि किताब का मजमून क्या है। आप लिफाफे को देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं, आप उस तरह के होते हैं। इसके अलावा देखिए, आप में कोई इनहेरिटेड विजडम नहीं होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप जो भी चीज़ अपने जीवन में अचीव करते हैं या जो अनुभव करते हैं, आप किसी दूसरे के ज्ञान, उपदेश और अनुभव से नहीं चलते हैं। आप हर चीज़ को खुद से परखते हैं और हर चीज़ को आप कसौटी पे कसते हैं। अगर वो आपको सही लगती है तो आप करते हैं। आप दूसरे के विजडम में, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप बिल्कुल, आपको कुछ भी करना है, आपको कोई कितना भी समझा दे, आप अपनी बुद्धि से चलते हैं। लाइफ आपको कितना भी तकलीफ दे, अनुभव से गुजारे, आप कितने भी कश्मकश की स्थिति में रहें, आप एक ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट होते हैं। आपको आशावादी, मतलब आप, आशावाद आपसे ऐसे ऊज आउट होता है। आप इतने आशावादी ज़ोडियक साइन हैं कि बाकी 11 राशि वाले लोगों को आपसे इस बारे में सीखनी चाहिए। आपका मन बहुत जल्दी टूट जाता है, जैसा मैंने कहा एक बच्चे का मन होता है, तो अगर आपने कुछ चाहा और वो आपको नहीं मिला तो आप बहुत जल्दी उदासी के घेरे में आ जाते हैं, आपका मन टूट जाता है, आप थोड़े से, आपको जीवन बेस्वाद सा लगने लगता है। तो इस तरह में अगर आपको जीवन वही दे रहा है जो आप चाह रहे हैं, तो फिर आप
अंदर से आपको बहुत संतुष्टि मिलती है और आप अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। आपको अपने जीवन में गति बहुत पसंद है, स्पीड। आप हर चीज को बिल्कुल तेजी से करना चाहते हैं। आपके जीवन में अगर गति नहीं हो तो आप बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। और अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो आपका बस एक पैर तो एक्सेलरेटर पे ही होता है। आपको स्पीड बहुत पसंद है और गाड़ी चलाने समय, हालांकि एरीज अगर आप हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा कभी कभार ब्रेक का भी इस्तेमाल कर लिया करें। गाड़ी में सिर्फ एक्सेलरेटर ही नहीं होता और जीवन में भी यही आपका रवैया रहता है। और जीवन आपको प्रचुर मात्रा में खुशी भी देता है, सफलता भी देता है। आप एक नेतृत्व क्षमता से ओत प्रोत रहते हैं और आप पालने में ही होते हैं तो भी आप में वो क्षमता रहती है कि आप पूरे परिवार को नेतृत्व दे सकें। अगर किसी परिवार में एक एरीज बच्चा होता है तो वो पूरे परिवार के लिए खुशियों का एक पैगाम लेकर आता है, पूरे परिवार को वो खुश रखता है और काफ़ी कमिटेड रहता है। रिलेशनशिप में वही है कि आप थोड़े से मूडी हैं, थोड़े से आप टेंडर माइंड के हैं, तो आपको सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसको पूरी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज रिश्ता टूटते या ब्रेकअप होते टाइम नहीं लगता। आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं रिश्ते में, आपको एडजस्ट करना आपको नहीं पसंद है, आप अपनी शर्त पे जीवन जीते हैं। अब ये ऐसी कुछ बातें थीं जो मैंने अनुभव की और मुझे ऐसा लगा ये आप हालांकि जोश और उत्साह से परिपूर्ण होते हैं और लोगों के रश का कारण बनते हैं। आप बताइएगा अगर आप एरीज हैं, आप मेष राशि के हैं, तो आपको मैंने जो ये छोटी सी चर्चा की वो आपको पसंद आई या नहीं, आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। मिलती हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बार पुनः आग्रह करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लिंक को साझा करें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं चलती हूँ और आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।